टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है 14 सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। इस सीरियल में इन दिनों प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा लीड रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सीरियल में कई कलाकारों ने लीड रोल निभाया है। कुछ सेलिब्स को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला तो कुछ अपनी हरकतों की वजह से हमेशा फैंस के निशाने पर रहे। कई सेलिब्स सिर्फ अपने रोल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल हुए हैं। आइए आपको ऐसे ही कलाकारों के नाम बताते हैं। प्रणाली राठौड़। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं प्रणाली राठौड़ अक्षरा के रोल में काफी पसंद की जा रही है, लेकिन एक्ट्रेस बीते कुछ दिनों से फैंस के निशाने पर हैं। सीरियल में अक्षरा अभिमन्यु और अबीर को दूर रख रही हैं, जिस वजह से फैंस थोड़ा नाराज हैं। जय सोनी। जय सोनी सीरियल में जरूरत से ज्यादा अच्छे इंसान का किरदार निभा रहे हैं। वह अनजान होने के बाद भी अक्षरा की मदद करते हैं और फिर उनके बच्चे को अपना नाम भी देते हैं। लोगों को उनका ये ट्रैक समझ नहीं आया। स्वाति चिटनिस इस सीरियल में सुहासिनी दादी का किरदार निभा रही हैं, जो फैंस को पसंद आता है, लेकिन एक समय पर सुहासिनी परिवार को अपने हाथ के नीचे रखती थी। उनका सख्त मिजाज लोगों को खास पसंद नहीं आता था। नीरज गोस्वामी। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं नीरज गोस्वामी पार्थ के रोल में नजर आ रहे हैं। सीरियल में पार्थ अपनी पत्नी के साथ खूब मारपीट करता है, इस वजह से वह काफी ट्रोल हुए हैं। करिश्मा सावंत। इस सीरियल में करिश्मा सावंत के किरदार आरोही के साथ मेकर्स समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। कभी आरोही अच्छी बन जाती है तो कभी बुरी। हालांकि दर्शक आरोही को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। एमी त्रिवेदी। सीरियल में एमी अभिमन्यु की माँ यानी मंजरी के रोल में है, जो काफी प्यारी सास थी, लेकिन अब वह अक्षरा के लिए पूरी तरह बदल गई है। वह अक्षरा को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। मंजरी का यह रूप दर्शकों को रास नहीं आया। विनय जैन। इस लिस्ट में विनय जैन का भी नाम शामिल है, जो इस सीरियल में अभिमन्यु के पिता के रोल में नजर आए। विनय इस सीरियल को अलविदा कह चुके हैं, हालांकि फैंस को उनका कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। पारुल चौहान। ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा पारुल चौहान भी रह चुकी हैं। वह इस सीरियल में स्वर्णा के रोल में दिखी। एक समय पर स्वर्णा अपनी बहू नायरा को घर से बाहर निकाल दिया था। फैंस स्वर्णा की इस हरकत पर काफी भड़क गए थे। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।